पीएम मोदी ने की शिवपुरी की ललिता और विद्या आदिवासी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात। ललिता आदिवासी ने बताया कि पीएम मोदी की योजनाओं के कारण उनके जीवन में आया बदलाव। शिवपुरी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। पीएम मोदी ने शिवपुरी जिले के हातोद गाँव की रहने वाली ललिता और विद्या आदिवासी से बात की। ललिता आदिवासी ने बताया कि पीएम मोदी की योजनाओं के कारण उनके जीवन में बदलाव आया है। विद्या आदिवासी की हाजिर जवाबी को सुनकर पीएम नरेंद्र मोदी प्रफुल्लित नजर आए। शिवपुरी जिले में आयोजित कार्यक्रम में पंचायत मंत्री मध्य प्रदेश प्रहलाद सिंह पटेल मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद केपी यादव, शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन, कोलारस विधायक महेंद्र सिंह यादव, करेरा विधायक रमेश खटेक, रविन्द्र कुमार पिछो चौधरी, पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया समेत प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे। देखिए हाथौद से सुनील रजक की स्पेशल रिपोर्ट। विद्या जी, आपने तो विद्या को पूरी तरह आत्मसात कर दिया है और आपने तो गांव का मोरल दिखाया। अब हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं, हम लोग विद्या जी को और ललिता जी को अपने गांव बुलाएंगे और बताएंगे क्या काम है, हमको बताइए। विद्या जी, ललिता जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और पता चलता है कि पीएम जनमन महाअभियान का जमीन पर किस तरह फायदा हो रहा है। आप सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए कैंप लगाया जा रहा है। हमारी सरकार की यही कोशिश है कि एक एक नागरिक को योजनाओं का लाभ पहुंचे। जिन्हें लाभ मिलना अधिकार है उन्हें कहीं भटकना ना पड़े, और आप तो जानते हैं यही तो मोदी की गारंटी है। पहले मुझे बहुत अच्छा लगा और इन बच्चियों ने भी अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, उन बच्चियों को भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए बम्बी जिला में कहाँ जाना है। हमारे परिवार में पांच लोग हैं। नाम नाम मुझे ठीक से नहीं सुनाई दिया। आप बैठिए, बैठ करके बताइए, नाम ठीक से नहीं सुनाई दिया। हमारा नाम विद्या आदिवासी है। अच्छा, विद्या आदिवासी। विद्या जी, आपने तो विद्या को पूरी तरह आकर्षक कर लिया है और आपने जो गांव का मॉडल दिखाया, अब हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं। हम लोग विद्या जी को और ललिता जी को अपने गांव बुलाएंगे और बताएंगे क्या काम है, हमको बताइए। सर, मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगी कि मेरा गांव भी इसी जो अब साठ आवास स्वीकृत हुए वो भी इसी तरह से बनाए जाए और हमारा बंधन केंद्र भी हमारे गांव के पास नहीं हो। सर, विद्या जी, ललिता जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और पता चलता है कि पीएम जनमन महाअभियान का जमीन पर किस तरह फायदा हो रहा है। जी सर, आप सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए कैंप लगाया जा रहा है। हमारी सरकार की यही कोशिश है कि एक एक नागरिक को योजनाओं का लाभ पहुंचे। जिन्हें लाभ मिलना अधिकार है उन्हें कहीं भटकना ना पड़े, और आप तो जानते हैं यही तो मोदी की गारंटी है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा और इन बच्चियों ने भी अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, उन बच्चियों को भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए बंदी जिला में कहाँ जाना है। महाराष्ट्र के नासिक इगतपुरी चलते हैं, जहाँ तुम्हारी बात